झारखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। रांची और जमशेदपुर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 24 घंटे के भीतर झारखंड में 1086 लोग संक्रमित पाए गए। रांची में 569 और जमशेदपुर में 99 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5882 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य भर में कोरोना का टीकाकरण भी जारी है। ये मेरा पहला डोज है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वे ले लें जो नहीं लिए हुए हैं। घर में बच्चे लोग परेशान रहते हैं, किसी को कोविड हो जाता है तो भाई बहुत तेज से बचाव है, बूस्टर होता है, इससे कोई भी हानि नहीं, सिर्फ फायदा और फायदा है इससे। और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, और लोगों को एकदम जागरूक होना चाहिए, निर्धारक आकर मिलना चाहिए। पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है, दिन ब दिन केसेस बढ़ रहे हैं और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक भी कर रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या कुछ इस बैठक में सामने निकल कर आ रहा है कृष्णा? देखिए, आज आपदा विभाग की बैठक चल रही है कोरोना को लेकर के। किस तरह से अभी एक हफ्ते की हम बात करें तो लगातार रांची हो या पूरे झारखंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। रांची की मैं बात करूँ तो पर डे किसी दिन 300, 400, 500 ऐसे केसेस मिल रहे हैं और टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि टेस्ट भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए इस तरह से पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर सरकार गंभीर हो चुकी है, आज बैठक कर रही है। अब आज कुछ ना कुछ निर्णय निकल सकता है कि क्या आगे पूरी तरह से तो लॉकडाउन की बात नहीं सामने आ रही है, मगर इतना सुनने में आ रहा है कि जैसे वीकेंड सैटरडे और संडे को। जो बैठक चल रही है और जिस तरीके केसेस बढ़ रहे हैं, सब चीजें खुली हुई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, तो क्या इस बैठक में कोई पाबंदी लग सकती है? क्योंकि पूर्ण रूप से लॉकडाउन की बात आपने कही कि इस तरह की सामने नहीं आ रही है, लेकिन ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर नियंत्रण नहीं हो पाया तो पूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगेगा। लेकिन अब अगर लॉकडाउन नहीं लग रहा है तो किन चीजों पर जो है जो ढील दी गई थी, अब उस पर वापस से सरकार जो है लगाम लगाने वाली है? देखिए, वीकेंड ऑफ जो सैटरडे संडे को बंद किया जा सकता है ये सामने आ रही है। नाइट कर्फ्यू की बात चल रही है कि नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, सिनेमा हॉल मॉल को बंद किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हो, जैसे पार्क हो, सिनेमा हॉल हो और स्कूल पे ज्यादा सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जिस तरह से रांची की मैं बात करूँ तो नामकुम में जिस तरह से एक ही स्कूल के 16 स्टूडेंट और टीचर्स पॉजिटिव पाए गए थे, उस बुडू में भी यही हाल हुआ था और तमाम जगहों पर कोई ऐसा स्कूल है कि हर दिन एक दो वहां पर स्टूडेंट्स हो या टीचर्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो स्कूल पे भी सबकी निगाहें हैं कि स्कूल पर भी स्कूल भी बंद किया जा सकता है। तो ये सब अभी बातें सामने आ रही है, मगर पूरी तरह से लॉकडाउन की बातें नहीं आ रही। बात यही है कि यहाँ पर अभी नाइट कर्फ्यू की बात चल रही है कि लगाया जा सकता है और फिर आपका जो सिनेमा हॉल ये पार्क और बंद किया जा सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कृष्णा, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें क्योंकि ये बहुत बड़ी बैठक भी होने वाली है राज्य सरकार की, जो कि हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर चल रही है।